नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार। बिहार के सासाराम में मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद कई ट्रेनें हुई कैंसिल। राजू श्रीवास्तव के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री ने जताया शोक, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राजू श्रीवास्तव को दी श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश के पेपर प्लेट फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल कुर्मी समुदाय की स्थिति में शामिल करने की मांग शुरू, किया रेल रोको आंदोलन। जम्मू कश्मीर में किडनैपिंग मामले में टाडा कोर्ट में पेश होगी महबूबा मुफ्ती की बहन रुकैया सैयद। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,510 नए मामले। दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर घर घर जागरूकता अभियान चलाएगी अब सरकार। एर्नाकुलम से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने की श्री नारायण गुरु को पुष्पांजलि अर्पित। हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों से करेगी मुलाकात।